नमस्कार, हरियाणा वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर पातली हाजीपुर गांव पहुंचे। दोनों ने पातली हाजीपुर में बनने वाले फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किराना पूर्ति केंद्र का वर्चुअल तौर पर शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के मानेसर के पातली हाजीपुर गांव पहुंचे, जहां सीएम ने पातली हाजीपुर में बनने वाले फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री ने सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किराना पूर्ति केंद्र का वर्चुअल शुभारम्भ किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसको कहना चाहिए फ्लिपकार्ट का, आज जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसको हम अपने शब्दों में भूमि पूजन कहते हैं, इसका शुभारंभ किया है। और मैं पूछ रहा था रजनीश जी से कि टाइमलाइंस क्या रखी हैं, उन्होंने बताया कि 2 साल में पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डिलीवरी सिस्टम वो चालू हो जाएगा। एक बहुत अच्छा साइज का, जिसको कहना चाहिए, जैसा बताया कि एशिया का सबसे बड़ा, एक ऐसा ही सप्लाई चेन का हमारे यहाँ बनेगा 140 एकड़ में, इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को, यानी ग्राहकों को, यहाँ की माल की सप्लाई हो सकेगी। देश की 40% आबादी, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम देश में खड़ा होने जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। तो इस नाते से इस ग्रुप की जो विशेषता है वो अपने आप में बखूबी वर्णन लायक है। मेरा एक इसमें दूसरा दृष्टिकोण है कि आखिर ये कहीं भी अपना इस प्रकार का वितरण केंद्र ये बना सकते थे, देश में बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने हरियाणा में ही बनाया है। ये ठीक है, उसमें कुछ प्रयत्न हमारा रहा होगा, लेकिन उस प्रयत्न को मैं तो इसलिए थोड़ा कम देता हूं, आखिर जिसने काम करना उसके मन की मर्जी है कि नहीं है, क्योंकि एक व्यावसायिक एक कार्यक्रम है, कोई चैरिटेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर खोल लेंगे। तो जब इतना बड़ा ग्रुप यहाँ अपना संस्थान खोल रहा है, इसका मतलब इनका विश्वास बड़ा है। हरियाणा में इस प्रकार से विश्वास करने वाले लोग, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये जो दुनिया भर के प्रचार लोग कर देते हैं कि हरियाणा में तो इंडस्ट्री गई है, हरियाणा तो कोई बेरोजगारी हो गई, हरियाणा से यहाँ चले गए वहाँ चले गए, हरियाणा इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। हरियाणा में अपने आप में जो हमने फैसिलिटेट किया है चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके दक्षिण हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो KMP रोड हो, चाहे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हो, चाहे 17 नेशनल हाईवेज जिसमें से आधे पूरे हो चुके हैं, आधे पर निर्माण चल रहा है, चाहे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यह हमारा नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ये सब इस क्षेत्र की एक, ये कहना चाहिए कि उभरता हुआ जो इस दृश्य है इस इलाके का। गुरुग्राम जो है अपने आप एक आइकन सिटी है, सारी दुनिया में गुरुग्राम का नाम कहीं भी जाके पूछ लो। 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से अब 400 कंपनीज के यानी ऑफिसेस वो गुरुग्राम में खुल चुके हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल जैसे एक सिटी का होता है, उस प्रकार से ये सब है। तो यही एक कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं। दरअसल इस सेंटर के उद्घाटन से हरियाणा के लोगों को कई फायदे होने वाले हैं।
ये फ्लिपकार्ट का अब तक का सबसे बड़ा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा। इस रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के उद्घाटन से लोगों का वक्त बचेगा। गुरुग्राम और आसपास के जिलों में भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने वालों को फायदा होगा। लोगों का सामान वक्त पर पहुंचेगा। वहीं औद्योगिक नगरी में फ्लिपकार्ट का बड़ा वेयर हाउस खुलने से निवेशकों को निवेश करने में और आसानी हो जाएगी। मानेसर के साथ हरियाणा में निवेश के नए रास्ते और आयाम खुलेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये हजारों लोगों को रोजगार और इसमें से जो एक इकोनॉमी का साइज वो प्रदेश का बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा देश को भी लाभ है। मोदी जी ने एक विचार मन में लाए हैं वो के दुनिया में अभी हम पांचवें स्थान पर हमारी गिनती होती है अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, लेकिन हम कैसे तीसरे स्थान पर पहुंचे, कैसे हम जल्दी से जल्दी $5 ट्रिलियन क्लब के सदस्य बने। $5 ट्रिलियन क्लब का मतलब है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक ताकत, उसके हम सदस्य बन जाए, और उसमें हरियाणा का अपना योगदान है। 24-25 के अंत तक मुझे लगता है कि 15 लाख करोड़ रुपए की हमारी GDP ये देश के GDP के अंदर योगदान करेगी। पर कैपिटा इनकम हरियाणा का आज भी हाईएस्ट है। हमारा जो GST कलेक्शन पर कैपिटा हरियाणा का अमंग लार्जर स्टेट्स वो हाईएस्ट है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे गुरमीत सिंह जी, रजनीश जी, तो उसकी चर्चा भी मैंने इनसे की। मैंने कभी हमारे 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 5 लाख महिलाएं उसकी मेंबर्स हैं, उनके घर के रोजी रोटी का एक विषय है। अच्छी चीजें बहुत एक कंपटीशन में जाना चाहिए। अच्छा, नेशनल लेवल की भी चीजें उसमें काफी हैं, मैंने स्वयं देखी हैं, उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग सर्टिफिकेशन करके और हम इनको उपलब्ध कराएंगे, वो पूरे देश में उसकी सप्लाई हो सकती है। ऐसे हमारे FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सेंटर, उनमें भी जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ भी सीधा करार हो सकता है। तो एक प्रकार का, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो रोजगार है, और चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, हर दृष्टि से ये अपने आप में ये सेंटर प्रदेश के लिए हितकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी भी ग्रो करने का उनको एक अवसर है। मानेसर, गुरुग्राम का तो विकास काफी हुआ, मानेसर की साइड का विकास अभी आगे बढ़ रहा है, और कुछ दिनों के बाद मानेसर से आगे इसी ये जो हमारा एरिया है फ्लिपकार्ट का, इसी में 7 बाजू लगते 10,000 एकड़ में जंगल सफारी ये विकसित होने जा रहा है। और उस जंगल सफारी के विकास के कारण से न केवल नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी टूरिस्ट वो यहाँ आते हैं, आएंगे। अब ये ठीक है कि यहाँ अभी जैसा डिप्टी सीएम साहब ने रखा कि एक हम यहाँ कोई सेंटर अपना जिसको रिटेल आउटलेट कह सकते हैं, उसका कोई कुछ कठिनाइयां हैं कि रिटेल आउटलेट शायद अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसमें से कोई रास्ता निकालेंगे। ना भी रिटेल आउटलेट होगा तो जो आसपास की आबादी के रिटेल आउटलेट ये जहाँ सप्लाई करेंगे वहां तो आएंगे ही, तो उसमें से कंजम्पशन बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा। फ्लिपकार्ट के अब तक के सबसे बड़े रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के उद्घाटन से न सिर्फ मानेसर बल्कि हरियाणा में भी निवेश के नए रास्ते और नए आयाम खुलने जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के युवाओं को भी अब रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर फ्लिपकार्ट का होने वाला है। यकीनन सरकार के ये कदम हरियाणा के युवा को इसका फायदा जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के मुबारकपुर का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने मुबारकपुर स्थित वैदिक विश्वविद्यालय के निर्माण संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने विश्वविद्यालय की कनेक्टिविटी और दूसरे अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मौके पर पहुंचकर सीएम ने तमाम अधिकारियों से पूरे रोड मैप का ब्यौरा भी लिया। तो ग्राउंड जीरो पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए रोड मैप का ब्यौरा भी लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की। इस दौरान आगामी चुनाव समेत कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने भेंट के साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी किया। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के निर्देश से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 24 सितंबर को यमुनानगर में प्रवेश करेगी, जहां से सीएम मनोहर लाल 25 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर यात्रा को करनाल के लिए रवाना करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि साइक्लोथॉन का जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस यात्रा को लेकर आम जनता से लेकर बीजेपी कार्यकारिणी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने जिले की जनता से भी अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में भाग लें, क्योंकि सबके सहयोग से ही समाज को नशे जैसी बुराई से मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ नशा करने वालों को नुकसान होता है बल्कि उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। वहीं 25 सितंबर को सीएम मनोहर लाल पांजूपुर गांव में मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करेंगे। देखिए, आज हमने अधिकारियों के साथ बैठ के भी बातचीत की और हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ के बातचीत की, और ये सडौरे में जैसे प्रवेश करेगी, उसके बाद ये सडौरा शहर में जाएगी, फिर बिलासपुर में जगह जगह पर इसका स्वागत भी होगा। और जो हमारे विद्वान जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो भी इसका स्वागत करेंगे, और जो हमारे सिख समाज के लोग हैं वो भी, इन्होंने भी एक स्थान निश्चित किया, वहाँ स्वागत करेंगे, और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एक फैसला किया कि वो भी स्वागत करेंगे, महिलाओं ने भी फैसला किया वो भी स्वागत करेंगे, एससी समाज ने भी स्वागत का फैसला किया, तो हर समाज इसका स्वागत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर समाज चाहता है कि जो नशे की बुराई है समाप्त होनी चाहिए, तो ये जागरूकता के लिए एक रैली प्रोग्राम है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसमें निश्चित तौर से भाग लेंगे, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो साइकिल चलाएंगे, उसमें भाग लेंगे। रात को ये यहीं पर रहने वाली है, जगाधरी में रहेगी, सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे महाराजा अग्रसेन चौक जो है यहाँ से इस यात्रा को, जो ये साइकिल यात्रा है, इसको यहाँ से हरी झंडी देंगे और ये यहाँ से जाते हुए जगाधरी से यमुनानगर और यमुनानगर से अपना अरदौर स्योती और इंद्री में प्रवेश करेगी, करनाल जिले में प्रवेश करेगी। तो बड़ा उत्साह है लोगों में इसके लिए, बहुत अच्छी तैयारी है। मेरा यमुनानगर वासियों से यही है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि नशा जो है ये आपके अपने लिए भी, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए भी बहुत ही घातक है, और उनके साथ साथ उनके परिवार के लिए बहुत घातक है। एक आदमी जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ है, वास्तविकता में वो लाइफ उसकी नहीं होती, वो परिवार की भी लाइफ है, बहन की भी लाइफ है, भाई की भी लाइफ है, माँ की भी लाइफ है, पिता की भी लाइफ है, और रिश्तेदार हैं उनकी भी लाइफ है, सब लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हर आदमी के ऊपर ना कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। तो कुछ लोग इस प्रकार का सोच के कि मेरी लाइफ है, मैं जो जैसे चाहूँ वैसे करूँ, ये वास्तविकता में नहीं है, पूरा परिवार पूरा समाज उससे प्रभावित होता है और ये बहुत खतरनाक है। तो हमें कुछ दुष्ट किस्म के लोग हैं जो पैसे के लालच में इस प्रकार से काम करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बेनकाब भी करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना और स्वयं उससे बच के रहना, ये हमारी सबकी ये केवल जागरूकता से ही हो सकता है। तो उस जागरूकता के लिए ये रैली निकाली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं, उन्होंने सिरसा में भी इसी प्रकार से
उसमें भाग लिया और भी कई जगह उन्होंने इसमें प्रकार से भाग लिया और उसी के लिए वो यमुनानगर में गया। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।